खरी खरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक केएन गोविंदाचार्य से। गोविंद जी, अभी एक पुस्तिका आपकी है, उसमें पढ़ रहे थे हम। इसमें आपने लिखा है, अपने लंबे सामाजिक जीवन के दौरान मेरा जिस सत्य से साक्षात्कार हुआ, उसके कारण मुझे लगने लगा कि मैं किसी राजनीतिक दल में काम करते हुए अपने मूल उद्देश्यों, भारत दुनिया का सिरमौर बने और भारत के प्रत्येक व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी हों को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। 8 साल बाद ये फिर वैचारिक परिवर्तन क्यों? कोई वैचारिक परिवर्तन नहीं है। आप फिर से दलगत राजनीति में? नहीं। आपने इस विधानसभा चुनाव के दौरान एक पार्टी के मंच से चुनाव प्रचार किया, सभाएं की? नहीं, मैंने हर जगह एक ही बात कही है कि राजनीति को मूल्यों और मुद्दों पर वापस होना चाहिए। फिर मैंने हर जगह एक बात कही है, समाज आगे सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। आपको जनसंघ का भी अनुभव है? हाँ, जनसंघ के जमाने का आपने देखा है दौर। उस समय भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल था, जो इस समय बुराइयां हैं उससे बहुत कम थी। जी, लेकिन ये मतलब अगर आप राजनीतिक दलों का इतिहास देखें तो ये दिखाई देगा कि जैसे जैसे उनका विकास होता है, ये बुराइयां अपने आप शामिल होती जाती हैं, बिल्कुल नदी की धारा की तरह। नहीं, जैसे बहती जाती है प्रदूषण शामिल होता है। इसीलिए आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, सत्ता और दलीय राजनीति के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में उसका स्वभाव है ग्लैमर एंड पावर। उसका वैशिष्ट्य है तंत्र की विशालता, साधनों की विपुलता। उसका विकार है कालक्रमेण भ्रष्टता, एकाधिकार और सर्वाधिकार। तो कहाँ कमी रही है, मैं जब खोजता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, देख ले, मान लो जनसंघ का ही देख ले, तो एकात्मानव दर्शन पर अधिष्ठित कार्यकर्ता आधारित स्वरूप पाने के लिए इन नैसर्गिक विकारों से बचने के चेक्स एंड बैलेंसेस से युक्त, विकारों से बचने की आंतरिक व्यवस्था से युक्त वैज्ञानिक कार्यशैली उपज नहीं पाई। और आपकी जानकारी के लिए 1997 में विरार में एक बैठक हुई थी भाजपा के, शीर्षस्थ 40 लोग थे और सब केवल एक ही बात पर फोकस था, वैज्ञानिक कार्यशैली, जिसमें ध्येयवाद और आदर्शवाद सुरक्षित हो और संपोषित हो। 40 रिकमेंडेशंस आए थे, लेकिन मैं क्या कहूँ, नेतृत्व ने उस विषय को केंद्रीय कार्य समिति तक लाने में कोताही की। 1 साल बाद सत्ता में आ गए, मैंने कहा कि वो छोड़ो रिकमेंडेशंस यार, कम से कम सत्ता और संगठन के समन्वय का तो कुछ कर लो। उसकी भी अनदेखी की गई, जना कृष्णमूर्ति की रिपोर्ट बनी थी। बाद में जब जना कृष्णमूर्ति अध्यक्ष बने तब मैं उनके पास गया, अब तो आप अध्यक्ष हो गए। जब ठाकरे जी अध्यक्ष बने, संगठन के आदमी हैं, आप तो विधायक कमेटी के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करा लीजिए, कुछ नहीं। तब मैंने समझ लिया कि भाजपा अधिक से अधिक भगवा कांग्रेस रहेगी।